नमस्कार और स्वागत है आपका रेसिपी फ्रॉम इंडियन किचन में। आज हम लोग घर पर बनाएंगे रेस्टोरेंट के जैसा चीज़ गार्लिक टोस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चीज़ गार्लिक टोस्ट। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें सबसे पहले ये देखिए, मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया है, ये सॉल्टेड रेगुलर बटर ले लिया है, साथ में मैंने चीज़ ले लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ये रेगुलर प्रोसेस चीज़ है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। साथ में ये गार्लिक है, गार्लिक को हमें क्रश करके यूज़ करना है, और बारीक कटी हुई धनिया गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने का प्रोसेस। उसके लिए सबसे पहले एक तड़का पैन हम गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे अपना रेगुलर बटर। अब बटर के पिघलते ही हम जो लहसुन की कलियां हमने रखी हैं उसे रफली मैंने कूट लिया है, और कूट करके हमें इसमें डालना है। इसे हमें बारीक नहीं कूटना है क्योंकि हमें इस बटर में थोड़ी देर गार्लिक को भूनने के बाद इस गार्लिक के फ्लेक्स को हम निकाल लेंगे बाहर, जिससे कि जो बच्चे गार्लिक पसंद नहीं करते हैं उन्हें ब्रेड टोस्ट में गार्लिक नहीं मिलेगा। तो तकरीबन आधा से एक मिनट तक हम गार्लिक को बटर में भून लेंगे, जिससे कि गार्लिक का पूरा फ्लेवर बटर में आ जाएगा और हमारा जो बटर है वो गार्लिक फ्लेवर्ड हो जाएगा। गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर यूं ही इसमें गार्लिक को छोड़ देंगे हम, और फिर थोड़ी देर बाद 25 से 30 सेकेंड बाद जब बटर थोड़ा ठंडा होने लगेगा तो हम इसमें से गार्लिक को किनारे करते हुए निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए हमारा बटर ठंडा होने लगा है। अब हम इन गार्लिक्स को इस तरीके से किनारे करते हुए निकाल लेंगे और अब जो रह जाएगा वो हमारे पास रहेगा गार्लिक फ्लेवर का बटर। अब इस बटर से हम अपना टोस्ट तैयार करेंगे। देखिए सारा गार्लिक मैंने निकाल लिया है और अब इस बटर से हमें अपने टोस्ट को सेकना है। तो उसके लिए एक पैन गरम करेंगे और पैन में डालेंगे अपना थोड़ा सा गार्लिक फ्लेवर्ड बटर, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इस पे अपना जो ब्रेड है, मैंने यहाँ रेगुलर वाइट ब्रेड यूज़ किया है, उसको पहले रखेंगे और तुरंत फ्लिप कर देंगे। और अब दोनों साइड हमारा गार्लिक फ्लेवर्ड बटर लग चुका है और अब इसकी ऊपरी साइड पे हम ऐड करेंगे जो हमारा हमने कद्दूकस करके चीज़ रखा है, उसे हम बिल्कुल अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ, और फिर इस पे ढक्कन लगा करके चीज़ को हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन एक से डेढ़ मिनट लगता है चीज़ के मेल्ट होने में, और मेल्ट होने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इसे छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा चीज़ मेल्ट हो चुका है। इस पे अब ऐड करेंगे हम चिली फ्लेक्स और बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते। चिली फ्लेक्स डालने से एक तीखापन टोस्ट को मिलता है। आप चाहें तो ना भी डालें और चाहें तो आप चीज़ भी नहीं डालें और सिर्फ बटर से ही दोनों साइड सेक लेंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगा, गार्लिक फ्लेवर ब्रेड हो जाएगा वो। ये देखिए हमारा चीज़ टोस्ट रेडी है। इसी तरीके से हम अपने सभी ब्रेड्स को सेक लेंगे। सबसे पहले बटर डालेंगे और उसके बाद ब्रेड को दोनों ओर बटर से कोट करने के बाद चीज़ डालेंगे। ये हम दूसरी तरीके से भी आपको बना के दिखा देते हैं। इसमें मैंने जैसे ही चीज़ डाला है साथ में ही मैं इसके चिली फ्लेक्स और धनिया डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से चीज़ को फैलाने के बाद मैं अभी ही इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी ये चिली फ्लेक्स और साथ में बारीक कटी धनिया भी। और अब इसे मैं ढककर छोड़ दूंगी जिससे कि ये बिल्कुल चिपक जाएगा चीज़ के पिघलते ही, साथ में इसके चिपक जाएगा। ये देखिए एक मिनट बाद ये मेरा टोस्ट रेडी है। मैं आपको इसको पलट कर दिखा देती हूँ कि ये देखिए पीछे बिल्कुल क्रिस्पी ये सिका है। ये देखिए इस तरीके से हमारा चिली गार्लिक टोस्ट रेडी है। एंजॉय कीजिए इसे।